व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सो गाइस, मैं ये वीडियो बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि भाई मुझे बहुत सारा कमेंट देखने को मिल रहे थे कि भाई मैजिक क्यूब का क्या सीन है, यानी कि भाई मैजिक क्यूब का क्या सीन है, मैजिक क्यूब हमें देखने को मिलेगा भी नहीं मिलेगा दिस रमजान इवेंट्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को उसी के बारे में प्रॉपर एंड 100% जेन्युइन बताऊंगा कि क्या हमें मैजिक क्यूब देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज जो भी बंदे नया रहे हो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक नहीं करा भाई लोग तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो भाई लोग इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सके तो भाई जल्दी से जाकर फटाक से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो चलो यहाँ पे इंडिया के सर में मैजिक क्यूब कितनी हाइप क्यों बनी हुई, मैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आंसर बता देता हूँ, एंड उसके बाद हम बात करेंगे मैजिक क्यूब कब मिलेगा, ठीक है। सो कहते देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीन हुआ, फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने एक वीडियो पोस्ट किया था रमजान इवेंट के ऊपर, ठीक है। सो फिर उसमें क्या था कि कैलेंडर भी दिखाया था, तो उसमें हमें देखने को मिला था मैजिक क्यूब, ठीक है, कैलेंडर नहीं मतलब उसमें कुछ था क्लू दिया गया था, मैजिक क्यूब भी था, ठीक है। सो उसके बाद क्या सीन हुआ, वो वीडियो इन्होंने वहाँ से हटाया और दूसरा वीडियो डाला, उसमें मैजिक क्यूब हटा के डाला, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्कैम किया गया था, क्योंकि इंडिया के सर्वर में आप सभी को पता है हमेशा से स्कैम ही होता है और आगे भी स्कैम ही होता आएगा जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। बट चलो भाई, हम दो तीन यूट्यूबर क्या कर सकते, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैजिक क्यूब का सीन है, हमें कैलेंडर के अंदर देखने को तो नहीं मिला है। सो कैसे को मैं आप सभी को साफ साफ बता दे रहा हूँ, आप भले कुछ भी करो मैजिक क्यूब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, 99.9% तो नहीं मिलने वाला है। अब कभी चांस बन जाए तो 1% भाई मेरे को तो नहीं लगता देंगे, क्योंकि कैलेंडर में भी उन्होंने मैजिक क्यूब नहीं दिया, इस वजह से भाई मेरे को तो नहीं लगता कि मैजिक क्यूब ये देंगे। बट आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ एक बार कॉमेंट में जाकर जरूर बताना। अब बात करते हैं मैजिक क्यूब मिलेगा तो कब मिलेगा, ठीक है। सो कैसे देखो, मैजिक क्यूब कब मिलेगा आपको पता है, अब देखो आप सभी को पता है मई मंथ में दो इवेंट चलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर उन्होंने रमजान इवेंट में अगर मैजिक क्यूब नहीं दिया तो भाई समझ लेना आपको मैजिक क्यूब मिलने वाला है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, यही 100% जेन्युइन ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं भाई लीक से ही, हो सकता है कि आपको वर्ल्ड सीरीज के दौरान आपको मैजिक क्यूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हर सर्वर के अंदर रमजान में भी दे रहे हैं, बट हमने इंडिया के सर्वर में रमजान पे नहीं पता, इस वजह से मैं अपने ओपिनियन आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे इतना तो हो ही गया अनुभव कि गेम खेलते खेलते, ठीक है। सो मैं इतना आप सभी को बता सकूँ। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ये लगता है कि मैजिक क्यूब आपको जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के दौरान देखने को मिल जाएगा, अभी रमजान इवेंट पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर रमजान इवेंट पर मैजिक क्यूब देखने को मिल भी जाता है तो वो आपको मिल सकता है पीक डे के दिन, कुछ मिशंस करने होंगे, मिशंस मतलब होता क्या है कि आपको जैसे 2 घंटा गेम खेलना पड़ेगा तो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, ये कुछ मिशंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, मैंने आप सभी को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की इस वीडियो में। होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, एंड होप कि यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया होगा तो भाई अच्छी बात है, नहीं करा तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।